घोसी उपचुनाव की मतगणना जो है वो जारी है, 32 राउंड जो है वो काउंटिंग होनी है और ऐसे में 9 राउंड का जो है परिणाम आ गया। अगर 9 राउंड की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है वो बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं। अगर 9 राउंड की बात करें, सुधाकर सिंह को जो सपा से उनको 34,017 मत मिले हैं, तो वहीं भाजपा के दारा सिंह चौहान को 24,475 वोट मिले हैं। वहीं नोटा का भी इस्तेमाल किया गया है, 549 मत जो हैं वो नोटा पे हैं। तो कुल मिला के 9,542 वोट से सपा जो है वो आगे चल रही है। ये 9 राउंड के परिणाम हैं और 32 राउंड टोटल जो है काउंटिंग होनी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो साख है वो दाव पे लगी हुई है। तो हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी कुटिया चलाते हैं और खुद ये गए थे और उन्होंने जो है वहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया था। तो इनसे हम बात करेंगे कि क्या वाकई में जिस तरह से अभी तक सपा बढ़त बनाए हुए है तो समाजवादी पार्टी जीत का वहाँ से इतिहास लिखेगी, या फिर इनको अभी भी कोई डाउट है जिस तरह से ये लोग लगातार जो है कह रहे थे कि हाँ प्रशासन जो है दबाव बना रही है, प्रशासन जो है वोट नहीं पड़ने दे रही है और वोट का जो प्रतिशत अगर बात करें तो वो भी जो है 50% करीब रह गया। तो ऐसे में इनका क्या कहना, हम इनसे बात करेंगे। ऋषि यादव हैं। ऋषि जी, जिस तरह से सपा जो है बढ़त बनाए हुए 9 राउंड तक 9,500 करीब जो है बढ़त है, तो क्या लगता है आपको जो है जीत आपकी होगी? जैसा कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हाँ समाजवादी पार्टी घोसी के चुनाव में ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल करेगी, लेकिन जिस तरह से सत्ता शासन के लोग मतदाताओं को वोट न देने के लिए प्रभावित किए हैं, जिस तरह से वहाँ पे अपनी नंगी नाच नाचे प्रशासन के लोगों ने, तो उससे हम इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि आज समाजवादी पार्टी आज आप ही आपकी देख रहे हैं बढ़त बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं आगे चलते हुए समाजवादी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार उप मुख्यमंत्री से लेकर पूरे प्रदेश के मंत्री विधायक सांसद सभी लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे पूरी अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झोंका, उसके बाद भी यदि घोसी की जनता समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत की तरफ अगर समाजवादी पार्टी वहाँ से बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं यह देश के लिए एक संदेश है। यह चुनाव कहीं ना कहीं यह जो आने वाला 2024 का चुनाव है, यह जनता जो जनता है जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से त्रस्त है, महंगाई बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है और इस समय भ्रष्टाचार इस सरकार में जो लगातार बढ़ रहा है, उसका यह नतीजा है कि लगातार शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा इतना सत्ता के पक्ष के लोगों के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश की गई, उसके बाद भी अगर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाई हुई तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ऋषि जी बात करें तो 32 राउंड टोटल जो है काउंटिंग होनी, अभी 9 राउंड के ही परिणाम आए हैं, आगे अभी भी जो है कई EVM खुलेंगे, कई एरियों की खुलेंगी और बीजेपी वालों का कहना है निश्चित तौर पर वहाँ से जो है बीजेपी की बढ़त होगी, तो क्या लगता है आपको? हालांकि हम आपसे बताएं ना कि ये सत्ता के लोग यदि ईमानदारी सच्चाई से अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस तरह से चल आगे बढ़ रहे हैं, अगर ईमानदारी और सच्चाई प्रशासन के लोगों ने वहाँ पे कुछ इस तरह का प्रशासन के बहुत सारी अगर धांधली वहाँ पे नहीं किए, तो समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है। यह जीत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं घोसी की जनता की जीत होने जा रही है, यह जीत गरीब नौजवान किसान की जीत होने जा रही है, यह जीत इंडिया गठबंधन जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब पूरे देश में अपना एक संदेश देने का घोसी की जनता काम कर रही है। और जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, वहाँ पे सुहेल जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरह से बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जो इतनी उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई थी उसमें कहीं ना कहीं उनका जो श्रेय था, उससे यह भी साबित हो जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की वजह से ओम प्रकाश राजभर जी इतने जो उनका जो प्रत्याशी अभी तक जो भी विधानसभा में लोग पहुँचे समाजवादी पार्टी की वजह से थे, न कि उनकी वजह से समाजवादी पार्टी जीती थी। यह मैसेज जो समाज में जा रहा है, यह मैसेज गरीब नौजवान किसानों की लड़ाई की जीत होने जा रही है। यहाँ बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और जो सपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, तो लगातार इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और ये जो वहाँ की जनता है उनकी जीत है। हमारे साथ सुशील तिवारी जी हैं जो एक सहारा न्यूज़ चलाते हैं और ये लगातार वहाँ पर जमीनी स्तर पर इन्होंने कवरेज किया, तो हम इनसे बात करेंगे कि इनको क्या लगता है अब तक का जिस तरह से रुझान आ रहा है, क्या लगता है सुशील जी आपको, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सपा ही जीत दर्ज कर रही है, जिस तरह से आपने भी वहाँ पर कवरेज किया, जमीनी स्तर क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो ज़मीनी स्तर पर हम लोग वहाँ का काम किए हैं, लगभग 10 दिन तक हम लोग वहाँ कवरेज किए हैं, एक एक वोटरों से जा कर के हम लोगों ने मिले हैं, तो वहाँ एक जो नज़र आ रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी का तो कोई मामला नज़र नहीं आ रहा, तो वहाँ पे दारा सिंह बनाम सुधाकर सिंह की वहाँ जो लड़ाई थी वो देखने को मिल रही थी। वहाँ की जो जनता है वो कह रही थी कि मुझे जो है अपना लोकल का नेता चाहिए, दारा सिंह बाहरी हैं और दारा सिंह की वजह से आज ये जो है कि चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, 15 महीने में ही दारा सिंह पार्टी बदल करके जनता को परेशान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो चुनाव में लोगों के अंदर जो रुझान था वो ये देखने को मिल रहा था कि जो उनका लोकल का प्रत्याशी है यानी कि सुधाकर
डॉक्टर सिंह की तरफ उनका झुकाव दिख रहा था, लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया कि 9 राउंड तक की गिनती हुई, अभी गिनती और बाकी होना बाकी है, 32 राउंड तक की काउंटिंग होनी है, तो कहीं ना कहीं ये कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी जीत रही जब तक कि रिजल्ट पूरी तरह से ना आ जाए। तो लोगों में एक जो था कि जिस तरह से दारा सिंह को लेकर के लोगों में एक चिंता दिखाई दे रही थी, इनकी वजह से जो है चुनाव जो है यहाँ दोबारा हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ दिख रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसे में आरोप भी लगा रही थी कि जो है कि प्रशासन जो है लगातार दबाव बना रहा है, वोटरों को हड़का रहा है, मुस्लिम वोटरों को, जबकि यहाँ की कहा जाए घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर जो है नंबर एक पर है, सबसे ज़्यादा वहाँ मुस्लिम वोटर, उसके बाद एससी वोटर आते हैं, तो एससी वोटर ही वहाँ के जो है ट्रंप कार्ड माने जाएंगे, अगर जो पार्टी जीतती है तो वो एससी वोटर की वजह से ही जीतेगी। तो इन एससी वोटरों से हमने वहाँ पर बात किया था तो उनके अंदर भी एक नाराजगी देखने को मिल रही, उन्होंने कहा हमको योगी मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घोसी में जो जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है, चुनावी खर्च पड़ रहा है, कहीं ना कहीं घूम फिर करके हमारे ऊपर ही ये खर्च आएगा, तो लोगों में एक जो लहर दिख रहा था वो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह की तरफ नज़र आ रहा था। सुधाकर सिंह की तरफ लहर नज़र आ रही थी, आप भी बता रहे हैं, आप जमानी वहाँ पे जो है ज़मीनी स्तर पे आपने कवरेज भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह वहाँ से पहले वो बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में जाते हैं मंत्री पद का इस्तीफा देके, फिर सपा को छोड़ करके फिर वो आ जाते हैं भाजपा में, घर वापसी कर लेते हैं, लोगों में नाराज़गी है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, ये कहा जा रहा था लगातार सपा के जो प्रत्याशी हैं ये लोग आरोप लगा रहे थे कि हाँ प्रशासन जो है दबाव बना रही है, प्रशासन जो है वोट नहीं पड़ने दे रही है, और इसी चलते जो है कम प्रतिशत भी पड़ा है, तो क्या वाकई में ऐसा देखने को लगता है कि प्रशासन ने कुछ दबाव बनाया होगा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उपचुनाव उसी का होता है, वही जीतता है जिसकी सरकार होती है, तो बीजेपी की सरकार है। देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगभग 50% जो वोटिंग वहाँ हुई है, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जब 2022 का चुनाव हुआ था वहाँ वोट ऑफ परसेंटेज 60 के ऊपर था, तो 50% वोट भी कहीं एक चिंता का विषय है। तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जब आपको पता है जब प्रशासन साफ सुथरी मतलब तरीके से चुनाव कराने का प्रयास करता है, प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए, ऐसे में जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं प्रशासन से भी हो गई हों, जिसको समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भुनाने का भी फायदा कर रही थी, लगातार आरोप लगा रही थी कि प्रशासन जो है वोटरों को डरवाने का काम कर रहा है, वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा है, तो ये सब आरोप आप जानते हैं कि पार्टियां लगाती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत इस सीट पर झोंकी हुई थी, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है, जिस तरह से देखा जाए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी चलाते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के, और जिस तरह से उनका एक गठबंधन बना है इंडिया बनाम एनडीए करके होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसको भुनाने के चक्कर में पूरी ताकत लगाई हुई थी और समाजवादी पार्टी भी इसको मतलब जीत करके भुनाने के चक्कर में पड़ी हुई थी। बिल्कुल देखिए सही कह रहे हैं ये कि लगातार एनडीए हो चाहे आईएनडीआईए इंडिया गठबंधन हो, दोनों ने इसे साक पे लिया हुआ है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। फिलहाल अभी तक 9 राउंड के जो है परिणाम आए हैं, समाजवादी पार्टी ने बढ़त बढ़ाई हुई है, और ऐसे में दारा सिंह चौहान की साख भी जो है वो दाव पर लगी हुई है। 32 राउंड जो है काउंटिंग होगी और परिणाम आएंगे, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर किसकी जीत हो रही है।